आवे चैत जब कुवार मैया लावे दरबार, आवे चैत जब कुवार मैया लावे दरबार, कर तू हूँ जय जयकार चलो मैया जी के द्वार, चलो निशा पूजा कर नवरातन आज मैया के जगरातन आज मैया के जगरातन आज मैया के जगरातन आज मैया के जगरातन आवे चैत जब कुवार मैया लावे दरबार, कर तू हूँ जय जयकार चलो मैया जी के द्वार, चलो निशा पूजा कर नवरातन आज मैया के जगरातन आज मैया के जगरातन या देवी सर्वभूतेषु माँ ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता, नमस्तस्य 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 नमो नमः। जय माता रानी। मैं सभी के साथ शाइनी त्यागी और स्वागत है आपका न्यूज 24 के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। तो आज नवरात्रि का दूसरा दिन है। आज के दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। कैसे उन्हें प्रसन्न किया जाए, किस तरीके से उनकी पूजा की जाए, इन सारे सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद है भोजपुरी गायक अजित ओझा जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में और अपना कीमती समय हमें देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम। हम बक्सर बिहार से अजीत ओझा, जितना भी न्यूज 24 के दर्शक श्रोता लोग बाने सबके गोड़ छुके गोड़ लागत नहीं। आज बड़ी खुशी के बात बा कि नवरात्र के दूसरा दिन माँ ब्रह्मचारिणी के गुणगान करे के अवसर न्यूज 24 पर मिलल। जी अजीत जी, जैसा कि नवरात्रि की धूम पूरे देश में देखी जा रही है, हर जगह लोग मंदिर जा रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं, उसके उपलक्ष में सबसे पहले हमारे व्यूवर्स को आप नवरात्रि के दूसरे दिन एक शुभकामनाएं दे दीजिए। रउआ सब लोगन के शारदीय नवरात्र के बहुत बहुत शुभकामना, माता के आशीर्वाद हर कोई के मिले, रउआ लोग के मिले। जी अजीत जी, ये पहला सवाल मेरा ये कि आप किस तरीके से नवरात्रि का जो त्यौहार है वो मनाते हैं, किस तरीके से कहाँ कहाँ जाते हैं, कौन से आप गाने गाते हैं इस दिन, जरा बताइए। का बा कि हमनी के तो पूरा नवरात्र स्टेज शो में माता के जगराता में जाला, तो हमनी के तो आनंदमय नवरात्रि बीतेला, माता के पूजा करे के, याचना करे के, अर्चना करे के मिलेला, तो एक तरह से हमनी के सेलिब्रेट करी ना सर करीला जा अपना ये पूरा जर्नी के। हाँ, किस तरह से गाना गाते हैं वहाँ पर? बहुत सारा हिंदी गीत बा, भोजपुरी गीत। लोगों को कैसे कनेक्ट करते हैं अपने आप से? अब लोगन के बाद जैसे माहौल बनल बा, एक दो लाइन हो जाए। हाँ, एक दो लाइन हो जाए जी, बताइए। इस रवा पे होके सवार महारानी, आ जाई तू हमारा घरे, सिरवा पे होके सवार महारानी, आ जाई तू हमारा घरे, आ जाई तू हमारा घरे मयरिया, आ जाई तू हमारा घरे मयरिया, सुन के हो सुन के अरजिया हमार महारानी, आ जाई तू हमारा घरे। बहुत अच्छा। साथ ही साथ अजीत जी, हम ये भी जानना चाहते हैं कि आप माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा कैसे करते हैं, क्योंकि बहुत लोग जानना चाहते हैं आपसे कि वो किस तरह से पूजा करे, किस तरह से इस दिन को मनाए, तो सबसे पहले आप विधि विधान बता दीजिए। देखिए का बा ना, माँ ब्रह्मचारिणी जो हमनी के माता बाड़ी, तपस्विनी है, 3,00,000 वर्ष तपस्या कैले बड़ी भगवान शिव के पावे खातिर। फिर ओकर बाद पूरा देव ऋषि मुनि लोग आके माता से आग्रह कैल कि अब रुआ चली और पूजा संपन्न हो गई, भगवान शिव रुआ के पति रूप में मिली हैं। तो ब्रह्म मतलब तपस्या, चारणी मने आचरण, जो तपस्या का आचरण करे से ब्रह्मचारिणी कहते हैं। तो इस तरह माता के नाम ब्रह्मचारिणी पड़ल, और माता के पूजा याचना आराधना करे से मन के शांति, सुख समृद्धि सब कुछ मिलेगा। बिल्कुल। तो आपने भोजपुरी गाने भी बहुत सारे गाए हैं और साथ ही साथ 50 से ज्यादा माँ के भजन गाए हैं, तो आपको कैसे प्रेरणा मिली कि आपको माँ के भजन गाने चाहिए?
का बा ना हमनी के यहाँ भोजपुरी में हर एगो मौसम हर एगो दिन खाती एगो अलग गीत बा, जौना में से एगो पचरा बा माई के गीत बा। तो वही से मिलल हमारा के यहाँ पारिवारिक परंपरा भी बा। हमारे हमारे जो पिताजी बानी बहुत सुंदर लिखी ना वहाँ के गजल वगैरह और तरह के गीत, तो माहौल बा घरे, वजह से जर्नी शुरू भइल, अभी तक चल रहल बा। नहीं नहीं, बहुत अच्छी जर्नी है आपकी। जैसा कि लोगों की तरफ से क्या प्रतिक्रिया आ रही है आपके भजन को लेकर? अभी हाल ही में हमारा गाना एगो रिलीज भइल ह, और इजाजत हुए तो दो लाइन सुना। नहीं नहीं, हाँ जरूर। हमने के बचपन में देखल हो, मेला घूमे जात रह जा तो जो माई के मूर्ति देखत रह जा, इतना सुंदर बनावे ले जोन कारीगर बाड़े, लागे ला कि अब बोली है माई, अब बोली है माई। एगो अंदर फील रही बचपन से, ओकरा के लयबद्ध कनी हम लिखी ना भी ना, खुद लिखले बनी ये गाना। इका तारीफ करी कारीगरी के, का तारीफ करी कारीगरी के, लागे अब बोली है माई, तब बोली है लागे, अब बोली है माई, तब बोली है। इस तरह से गीत, बहुत सारा गीत बा। तो अजीत जी, आपके भजन सुनकर सच में हमें बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे स्टूडियो में आने के लिए और हमें अपना समय देने के लिए। थैंक यू। तो मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो बेहद पसंद आया हो तो आप हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और इसके साथ साथ शेयर भी कर सकते हैं। नमस्कार।